गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल में अटेंडेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। आइए जानें। इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए मैं इसमें विंडो की प्रेस करती हूँ इस तरीके से, और यहाँ मैं सर्च कर लेती हूँ एक्सेल। एक्सेल डाला और एंटर। ये मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है। इसमें मैं कुछ सेल्स को पहले ब्लैंक कर लेती हूँ मार्जिन सेंटर से। इसके लिए सबसे पहले मुझे सेलेक्ट किया मैंने सेल्स को, इसके बाद मैंने मार्जिन एंड सेंटर किया। यहाँ मुझे लिखना है अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट लिखने के बाद इसमें कुछ कलर कर देंगे हम, ए डबल टी ई एन डी ई एन सी ई। अटेंडेंस सीट, ये मैंने अटेंडेंस सीट लिख दिया। इसका मैं लार्ज कर लूँगी फॉन्ट टेक्स को इस तरीके से। पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट कर चुकी हूँ इसको मैं। यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा देंगे समथिंग इतना, और कलर यहाँ मैंने कलर दे दिया इसको रेड। एंड इसको हम बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी से। ये बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ से। इसका फॉन्ट अगर हमको चेंज करना है तो ये मैंने यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिया है। साइज़ थोड़ा इसका हम कम कर देते हैं इस तरीके से। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है हमें, इसका कलर, तो यहाँ से हम कलर दे देंगे। जैसे मैंने इसका येलो कलर रख दिया है। और नेक्स्ट मुझे अब जिसमें सीट तैयार करनी है, तो उसके लिए जैसे सबसे पहले हमें सीरियल नंबर दे देते हैं इसमें, SR नंबर, एंड टैब की प्रेस किया। इसमें अब हम नेम लिख देंगे और फिर डेज नेम लिखेंगे। डेज नेम लिखने के लिए जैसे मैंने लिख दिया SUNDAY, ये मैंने संडे लिख चुकी हूँ। अब मुझे इसमें इस तरीके को ड्रैग कर दूंगी, पूरा संडे तक आ चुके हैं हमारे डेज नेम। अब थोड़ा इस सेल से यहाँ से हम इसको कॉलम को बड़ा करेंगे, क्योंकि बाहर निकल रहा है हमारा, इसलिए यहाँ से इस तरीके से हम कॉलम को बढ़ा देंगे सभी को। ये मेरे इस तरीके से बढ़ चुका है। कॉलम वाला भी हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा। इसमें मुझे नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने इसमें लिख दिया राजू, राम, मोहन एंड राज। रोहन कुछ नाम ले लेते हैं इस तरीके से हम, रीमा, रेनू, आकाश, ये मैंने इतने नाम ले चुकी हूँ। इसमें मुझे अब सीरियल नंबर डाल देना है। ऐसे मैंने ये डाल दिए 3। इसको मैं सेलेक्ट करूँगी इस तरीके से, सेलेक्ट किया और नीचे आपको इस तरीके से प्लस से ट्रैक कर देना है, तो आपकी सारी काउंटिंग ऑटोमेटिक आ जाएंगी यहाँ पर। टेन तक ले लेते हैं यहाँ, एंड इसमें मैंने और नाम कर देते हैं अजय, एंड नाम डाल चुके हैं। अब इसमें मुझे क्या लगाना है, अटेंडेंस सीट की तरह जैसे हम प्रेजेंट एब्सेंट लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। इसके बाद में डाटा मेन्यू में जाना है। ये मैंने डाटा मैंने पे यहाँ क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद हमको डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट को, और यहाँ हम डाल देंगे प्रेजेंट के लिए पी डालेंगे एंड कॉमा, और एब्सेंट के लिए हम ए डाल देंगे, और हॉलीडे के लिए एच। ये हम इस तरीके से इसमें डालने के बाद हमको ओके करना है। अब देखिए आप इसमें बहुत आसानी से इस तरीके से प्रेजेंट एब्सेंट को लगा सकते हैं इस तरीके से पूरे सेल्स में। ये इस तरीके से आप इसमें प्रेजेंट एब्सेंट या फिर हॉलीडे इस तरीके से दे सकते हैं। अब मुझे इसमें टेबल में बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर के लिए क्या करेंगे हम,
पहले अपने इसमें जिस हिस्से में हमें बॉर्डर लगाना है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मुझे कीबोर्ड से अल्ट को होल्ड रखना है एंड एच प्रेस करना है, बी ए इस तरीके से प्रेस करने के बाद देखिए आपका कीबोर्ड लग जाएगा शॉर्टकट की के द्वारा भी। अब इसमें अगर आपको टेबल फॉर्मेट देना है जैसे कि इसमें कलर करना है तो उसके लिए आपको फिर से टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने टेबल को सिलेक्ट किया है और अल्ट की को होल्ड करके रखना है एंड ओ और ए प्रेस करना है। इसके बाद आपको जिस तरीके का इसमें फॉर्मेट चाहिए आप उस पर क्लिक कर लेंगे, जैसे कि मैं यारा फॉर्मेट ले लेती हूँ एंड ओके। तो देखिए हमारा फॉर्मेट भी लग चुका है। इस तरीके से आप अपनी सीट पर फॉर्मेट लगा सकते हैं। अब सेंट प्रेजेंट अटेंड सीट भी आप इस तरीके से बना सकते हैं।